झूठ बोलता है मोदी। अगर चाहता ना मोदी महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो अभी आरक्षण बिल हाथों हाथ पास करता। मोदी हारेगा। ओनली मिंदर मंदिर धर्म धर्म और है क्या उनके पास मुद्दा? एक महिलाओं का मुद्दा था, इसको भी लटका के रख रहे हैं और मूर्ख बना रहे। इनके पास कुछ नहीं है। अगर ये खुद की महिलाओं अपनी वाइफ को भी अपनी रख सका घर में तो हमारे महिलाओं की क्या सुरक्षा है? रात को नोटबंदी तो फैसले अपने आप ले लेते और महिला के आरक्षण की बात आई तो ये लटका के रख रहे हैं। हम नहीं जानती पढ़ी लिखी, हम सब जानती महिलाओं के, महिलाएं सब जानती है मोदी के इरादों को। इसके इरादे महिलाओं के लिए सही नहीं है। मीएम का परफेक्ट चेहरा किसको मानते हैं आप? देखते हो कि सचिन पायलट को लोगों को लेकर भी जहन में सवाल लेते हैं, युवा है, दिलों की धड़कन है, तो किसको परफेक्ट चेहरा मानते हैं मुख्यमंत्री? जैसे कि आपको बता दिया राजस्थान के जयपुर में हम मौजूद है, जहाँ पर बीटी रोड के मैदान में आप देख सकते हैं पीछे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जी तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद होंगे और तमाम जो आपके मेरे साथ महिला जो है कांग्रेस से जुड़ी कार्यकर्ता मौजूद। बात करेंगे मैडम, क्या नाम है आपका? विजयलक्ष्मी पटेल। हम जोधपुर से। हाँ जी, क्या लगता है आप देखते हो राजस्थान के अंदर इतिहास रहता है कि हर 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन होती है, क्या इस बार गहलोत सरकार दोबारा रिपीट होने जा रही है? वापस रिपीट होने जा रही है क्योंकि महिलाओं के लिए इन्होंने इतने अच्छे कानून बनाए हाथों हाथ, कुछ भी कानून इतने बढ़िया बनाए कि एक्शन होता है। आज आकर जो देख लो आज सारे अखबारों में महिलाओं के प्रति जो भी जुल्म वगैरह जो भी होता है ना तो हाथों हाथ एक्शन लिया जाता है, उनको हाथों हाथ सजा दी जाती है। तो आंकड़े के हिसाब से ये बीजेपी वाले फालतू उष्टंडा कर रहे हैं। मणिपुर में देखो उन्होंने FIR लॉन्च तक नहीं किया और महिलाओं के साथ अत्याचार किया है। और हमारे राजस्थान में हम सब महिलाएँ बहुत सुरक्षित है। उड़ान योजना है, स्मार्टफोन योजना है, उज्ज्वला योजना है, पशु चिकित्सा है, हमारे चिरंजीव योजना है, 25 लाख का बीमा है, 10 लाख का एक्सीडेंट बीमा है। बहुत सारी ऐसी योजना है जो गरीबों को खेत खलियान बेचने नहीं पड़ेंगे, सोना गिरवी रखना नहीं पड़ेगा। तो सारे काम अशोक गहलोत हमारा बेटा बन के सभी के लिए काम कर रहा है, इसलिए हम अशोक गहलोत जी को वापस हम राजस्थान में मुख्यमंत्री देखना पसंद करेंगे। 2024 की नींव तो राहुल गांधी आज रख ही देंगे इस मैदान से। क्या लगता है गहलोत सरकार भी दोबारा रिपीट कर सकती है एक बार फिर? 100% आएगी, 100% जोधपुर में राजस्थान में अशोक जी आएंगे, कौन काम को वोट देगी? महिला वोट देगी। मान लो महिला है ना 1200-1100 रुपये में गैस की टंकी ले दी, अब महिला नहीं जागेगी तो कब? 500 रुपये में गैस की टंकी उठा रही है, अब तो महिला जागेगी। अन्नपूर्णा का किट मिल रहा है उन लोगों को, अब तो महिला जागेगी। जिस महिलाओं को फ़ोन नहीं चलाना आता था आटा टिकटॉक चला रही है, अभी बच्चिया मोबाइल से पढ़ रही है, लिख रही है, और क्या? वो उतना अशोक जी को आशीर्वाद महिला देंगी देंगे, 100% देंगे। अशोक जी 100% राजस्थान में आएंगे ही आएंगे। सिलेंडर ही मुद्दा रहेगा। आप देखते हो कि पेट्रोल की कीमतें राजस्थान के अंदर आसमान छू रही हैं, क्या कहेंगे? नहीं सर, हम अपने काम पे वोट मांगेंगे, अपने हमारे काम पे, हमारे राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार रिपीट होगी। ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा है, सर से लेके पांव तक सारी योजनाएं, जन्म से लेके मृत्यु तक अशोक गहलोत ने सारी योजनाएं लागू कर दी, और योजना सिर्फ कागजों में नहीं है, वो इम्प्लीमेंट हुई है, लोगों को इसका फायदा मिला है। हाँ, और इसमें जैसे आप शुरू से ले लीजिए, जैसे आप महिलाओं की बात करें, सबसे बड़ा मुद्दा है महिला सुरक्षा। महिला सुरक्षा राजस्थान में एक पहला राज्य है जिसमें FIR अनिवार्य रूप से लागू कर दी गई है। महिलाओं के प्रोटेक्शन का कानून है, अगर कोई एट्रोसिटी हो जाती है तो 24 घंटे के अंदर एक्शन लिया जाता है, गिरफ्तारी भी होती है और फास्ट ट्रैक में मुकदमा चल के उनको सजा भी दी जाती है। महिला की सबसे बड़ा मुद्दा ये सुरक्षा का है। दूसरा मुद्दा हम करते हैं उज्ज्वला कनेक्शन का। जो केंद्र सरकार द्वारा उज्ज्वला कनेक्शन दिया गया था वो बंद कर दिया गया, उसके बाद राज्य सरकार ने उसको 500 रुपये में उज्ज्वला और BPL को दिया जा रहा है। महिला इससे ज़्यादा महिलाओं को क्या चाहिए? तीसरी बात आती है बच्चियों की शिक्षा की। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल देख लीजिए, आज गवर्नमेंट कॉलेज देख लीजिए, सब सुविधाएं मुफ्त मिल रही है। झूठ बोलता है मोदी। अगर चाहता ना मोदी महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो अभी आरक्षण बिल हाथों हाथ पास करता। इंदिरा हमारे सोनिया गांधी ने 2010 के टाइम में ये विधेयक लेके आई थी, लेकिन यही लोग थे जो इन्होंने विधेयक पास नहीं होने दिया। आज सोनिया गांधी राहुल गांधी की इच्छा है कि OBC विशेषकर महिलाओं को आरक्षण में 33% दिया जाए, हम भी इसी को वोट देंगे जो हमको आरक्षण दे। इसमें देखते हैं कि आप देखते हो मोदी जी ने साफ तौर से लाल किले से ऐलान किया कि तीसरी बार जो हैट्रिक लगने जा रही है। 2014 की भी चुनाव देखने आपने, 2019 में भी गठबंधन हुए, मगर मोदी लहर के सामने टिक नहीं पाए। नहीं, वो हैट्रिक नहीं होगी, मोदी हारेगा। ओनली मिंदर मंदिर धर्म धर्म और है क्या उनके पास मुद्दा? एक महिलाओं का मुद्दा था, इसको भी लटका के रख रहे हैं और मूर्ख बना रहे। इनके पास कुछ नहीं है। अगर ये खुद की महिलाओं अपनी वाइफ को भी अपनी रख सका घर में तो हमारे महिलाओं की क्या सुरक्षा है? इसलिए हम इसे उम्मीद बिल्कुल नहीं, हमें हम ये बिल्कुल फेल हो चुके हैं। लोगों ने इसको बहुत वो बहुमत दिया ताकि अच्छे से फैसले हो, लेकिन इन्होंने 370 वगैरह ये रात को नोटबंदी तो फैसले अपने आप ले लेते और महिला के आरक्षण की बात आई तो ये लटका के रख रहे हैं। हम नहीं जानती पढ़ी लिखी, हम सब जानती महिलाओं के, महिलाएं सब जानती है मोदी के इरादों को। इसके इरादे महिलाओं के लिए सही नहीं है। हो रहे हैं मैडम, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम मंजुलता मीणा है, मैं पूर्व जिला अध्यक्ष जयपुर शहर महिला को चाहे मैं जयपुर से ही हूँ। जयपुर से ही है। क्या लगता है महिला आरक्षण को लेकर, आप देखते होंगे संसद में बिल पास कर दिया 33% आरक्षण को लेकर, कितने कुछ सहमत है? भाई हम तो बहुत ज़्यादा सहमत है, क्योंकि अब महिलाओं को भी जो घर में बैठी रहती थी कभी चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला, और जो सपने देखती थी आज जो डिजर्व करती हैं उन महिलाओं को भी यानी बाहर निकलकर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा और अपनी बात संसद विधानसभा पटल पर रखने का मौका मिलेगा, हम तो ये जानते हैं। कुछ महिलाएं नाराज भी हैं, कह रही कि वाकई में अभी मोहर तो नहीं लगी है, जब तक मोहर नहीं लगी हम कितने कुछ आश्वस्त हैं। देखो अभी तो आश्वस्त है, जब तक मोहर नहीं लगेगी, जब तक आश्वस्त नहीं होंगे, अभी तो आदेश पारित करने का ही चल रहा है, जब तक मोहर लग जाएगी जब ही होगा सारा सब कुछ। मुझे भी चुनाव लड़ने का मौका मिला है, पार्षद प्रत्याशी हूँ अभी नगर निगम ग्रेटर से, मुझे भी चुनाव लड़ने का मौका मिला है, तो मेरी भी इच्छा है कि मैं भी विधानसभा चुनाव लड़कर विधानसभा के पटल पर जाकर अपने लोगों की अपने विधानसभा क्षेत्रों की बातें रखूँ। चलिए आखिरी सवाल आपसे, दो आप देखते होंगे हर लगातार आप देखते हो 5 साल के बाद यहाँ पर सत्ता परिवर्तन होती है खासतौर से राजस्थान में, अब क्या कुछ कयास लगाया जाना है, गहलोत सरकार फिर दोबारा आएगी या फिर कुछ परिवर्तन हो सकता है इस बार? सरकार दोबारा रिपीट होगी, क्योंकि सरकार बहुत जनकल्याणकारी योजनाएं गाँव से लेकर शहरों तक लेकर जनकल्याणकारी योजनाएं लेके, उसमें देखो हमने भी गवर्नमेंट का लाभ उठाया, गवर्नमेंट की जो योजना है, मेरी मदर विधवा कोटे में भी स्मार्ट गांधी इंदिरा गांधी जो स्मार्टफोन मिल रहा है, जो मदर को दिला के लेके आई, फूड पैकेट भी मिल रहा है उनको विधवा कोटे, उनकी पेंशन भी बढ़ी है, गाँव में जो लंपी से गायें मर गई थी उनको भी मुआवजा मिला है, तारबंदी का पैसा मिला है, यानी बहुत कुछ मिला है जिससे लोग बाग आश्वस्त है सरकार से, तो इस सरकार को दोबारा रिपीट कर वोट डालकर रिपीट करेंगे वो। क्या मोबाइल फोन और आप देखते होंगे सिलेंडर ही मुद्दा रहेगा सिर्फ 23 के चुनाव के अंदर? नहीं नहीं, काफ़ी जब भी कांग्रेस सरकार योजना आई है ना, देखो चिरंजीवी लेके ये सबसे बड़ा जो दुर्घटना बीमा होता था, मान लो आदमी हॉस्पिटल में जाने से डरता था क्योंकि सबसे ज़्यादा इलाज ही बहुत महंगा होता है, आज वो बेझिझक कर जाकर जैसे चिरंजीवी अशोक गहलोत जी लेके आए, बेझिझक जाके हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे फ्री में, उनका कुछ भी नहीं लग रहा, यानी जेब में 1 रुपया भी डाल के नहीं लेके जाएंगे जब भी वो अपना इलाज पूरा करवा कर आएंगे, जनता को और क्या चाहिए, मैं तो ये जानती हूँ। ऐसा लगता है कि 2024 के चुनाव सर पर है और 2023 की विधानसभा चुनाव खासतौर से राजस्थान में, तो क्या लगता है 2024 से पहले ये नींव रखी जा रही है 24 के लिए? नींव तो ऑलरेडी यहाँ पे मजबूत है, रखने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे उसी मजबूती को और ज़्यादा मतलब एक बेस देने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है, और राहुल जी जिस तरीके से यहाँ पे आए हैं और जिस तरीके से वो जनता को संबोधित कर रहे हैं, युवाओं को अपने साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, उसके लिए मैं राहुल जी का धन्यवाद देना चाहूँगी। राजस्थान में हमेशा एक इतिहास रहा है कि 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन होती है, आप कह रहे हैं कि नींव तो रखी हुई है, मगर लोगों के जहन में सवाल है कि इस बार क्या फिर दोबारा बीजेपी आ सकती है, कि 5 साल बाद हमेशा यहाँ पर बदलने की प्रक्रिया रही है? नहीं, इस बार एक्चुअली स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो हमने फेस किया है, जो 2 साल हमने कोविड के फेस किए हैं, पूरे भारत में जो राज्य नंबर 1 रहा है कोविड के कार्यकाल में, कोविड वाला जो हमने बहुत बड़ी मुसीबत फेस करी थी, उसमें राजस्थान में जो हम लोगों ने कार्य करे हैं, जो हमारी सरकार ने कार्य करे हैं, वो कार्य है पूरे भारत में सबसे नंबर 1 राज्य इस तरीके का बन के रहा है राजस्थान, तो और काफ़ी सारी ऐसी योजनाएं भी लाई जा रही हैं अशोक गहलोत जी के द्वारा, जो सबके लिए हर वर्ग के लिए एक बहुत ही लाभकारी योजनाएं हैं, तो वो उन योजनाओं को ध्यान में रखते हुए, अगर आम जनता उन योजनाओं को ध्यान में रखती है जिस तरीके से कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में काम किया है, उन कामों को ध्यान में रखते हुए आगे का चुनाव में अपना मत समर्थन देंगी, तो बिल्कुल कांग्रेस एक बार फिर से अपनी सरकार रिपीट करेगी। ये आखिरी सवाल आपसे, सीएम का परफेक्ट चेहरा किसको मानते हैं? आप देखते हो कि सचिन पायलट को लोगों को लेकर भी हम जहन में सवाल लेते हैं, युवा है, दिलों की धड़कन है, तो किसको परफेक्ट चेहरा मानते हैं मुख्यमंत्री? चेहरा अगर अभी जैसे डिसाइड नहीं है वैसे तो, लेकिन अगर मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि फेस जो है वो अशोक गहलोत जी का मैं देखना चाहूँगी, सचिन जी बहुत सारे युवाओं के आदर्श हैं, मैं ये नहीं कह सकती, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि अशोक जी को फॉलो करते हुए सचिन जी फ्यूचर में सीएम का चेहरा होंगे। महिलाएं हमारे साथ में बात करेंगे, मैडम क्या नाम है आपका? शशि गुप्ता। कहाँ से आए हैं गुप्ता जी? जयदर नगर विधानसभा से। देखते हैं 2024 का चुनाव भी है, फिर 2023 के चुनाव भी पहले हैं, तो ऐसे में क्या लगता है, क्या कुछ गहलोत सरकार दोबारा रिपीट कर सकती है? इसलिए करेंगी, गहलोत सरकार ने जो अपनी योजनाएं दी इस बार, उसका लाभ हर गरीब तबका हो, चाहे अमीर हो, चाहे मिडिल क्लास हो, सबको उसका लाभ मिला है, महिला हो, युवा हो, चाहे पेंशन वाले लोग हो, बुजुर्ग हो, सबने उसका लाभ उठाया है, उनकी योजनाओं के लाभ से ही ये सरकार रिपीट होगी और ज़रूर होगी, रिवाज बदलेगा, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी का जो रिवाज है वो ज़रूर बदलेगा।